फोन ऐसे बाहर से देखने से तो बहुत ही सॉलिड लग रहा है, एकदम सुप्रीम कंडीशन में मिला है, लेकिन अंदर इतना खराब है। तो आईफोन 10 64 GB स्पेस ग्रे कलर, और इसको मैंने रिसेंटली परचेज किया है केसीफाई से। और इस फोन का आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये एक रिफर्बिश्ड फोन है, तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी भी चेक करेंगे कि हर चीज क्वालिटी किस हिसाब से दे रहा है केसीफाई। साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि जब आप कोई भी रिफर्बिश प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आखिर कम दाम में तो आपको मिल जाता है, उसके बदले आपको क्या चीज कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ओवरऑल मैंने इसको एकदम सुप्रीम कंडीशन में खरीदा है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशन है। तो चलिए फटाफट करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देखने वाले हैं कि हर एक चीज सही से काम कर रहा है कि नहीं, और ओवरऑल यहाँ पे जब आप सुप्रीम कंडीशन में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो किस हिसाब से आपको मिल जाता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का रिफर्बिश प्रोडक्ट हम लोग लाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट में कौन सा रिफर्बिश फोन का अनबॉक्सिंग करो। साथ ही साथ आप अपना पसंदीदा वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। तो केसीफाई से आने वाला बॉक्स कुछ इस तरह से है, और हमें केसीफाई पे प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ता है, कोई भी यहाँ पे केसीफाई पे सीओडी का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको भी खोल लेते हैं और देखते हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आईफोन 10 मैं शायद पहली बार यूज करूंगा। इससे पहले मैंने आईफोन 12, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8, आईफोन 6X ये सब यूज किया है, और 10 में मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। तो देखते हैं बॉक्स को खोल के आखिर हमें बॉक्स में किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे इधर से मैंने कट कर दिया, तो सबसे पहले आपको जो एक चीज़ नज़र आएगा उसमें आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बॉक्स मिला है वो आईफोन का ओरिजिनल बॉक्स नहीं है। बाहर से ही हम लोगों को दिख गया, अब फोन ओरिजिनल होगा कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉक्स कुछ इस तरह का है, बाहर भी यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अंदर भी हमें एक बिलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे शायद बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं। और ये वाला बॉक्स आप लोग देख सकते हो कंप्लीटली सील्ड बॉक्स है, तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहां पे एक केसीफाई का स्टिकर लगा हुआ है। इस साइड में भी हमें केसीफाई का स्टिकर मिलता है, इस साइड में भी मिलता है, तो कंप्लीटली अच्छे से सील किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर ओरिजिनल बॉक्स मिलता भले ही वो ओल्ड होता उसमें मज़ा ज़्यादा आता, यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा कम हो गया। अब फोन देखते हैं फोन आखिर हमें कैसा मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे सबसे पहले हमें इस तरह से रेपर में मुड़ा हुआ प्लास्टिक रेपर से, जो कि बबल वाला रेपर है, इससे मुड़ा हुआ फ़ोन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम इजेक्टर टूल, यहाँ पे चार्जर ऑलरेडी सील्ड है, दैट्स मीन चार्जर हमें नया मिल जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमें डेटा केबल मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फोन, और फोन का आप लोग फर्स्ट लुक देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक में मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग पीछे से स्पेस ग्रे को अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्लास में कोई भी स्क्रैच मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लोग कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है कम्प्लीटली। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेम की बात करें तो मेरा यहाँ पे अगर कैमरा फोकस कर पा रहा है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा स्क्रैच है, बाकी ओवरऑल अगर हम लोग फिजिकली बात करें तो फोन काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो फटाफट हम लोग इसको पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन हर एक चीज़ हमें सही मिलता है कि नहीं। तो बूट अप का लोगो ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे पहले फ़ोन को मैं कम्प्लीटली सेट कर लूँ आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक करो। मैं सेटअप के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। फ़ोन को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर सेटअप कर चुका हूँ, और यहाँ पर सेटअप करने में मुझे लगभग आधा घंटा लग गया, और काफ़ी सारा मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर। लगभग एक डेढ़ घंटा बाद ये बाकी वाला जो वीडियो का पार्ट है वो आप देख रहे हो।
अब हम लोग एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बटन्स की बात करें तो बटन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। स्लाइडर की अगर बात करें तो स्लाइडर भी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है, यहाँ पे पावर बटन भी सही से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करना चाहूँ तो डिस्प्ले के ऊपर मुझे कोई स्क्रैच नजर नहीं आया है। ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो एकदम क्लीन है, कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर दिक्कत नहीं है। और काफी देर से मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा था कि कहीं यहाँ पे डिस्प्ले चेंज तो नहीं है, क्योंकि ये एक ओएलईडी डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मैंने चेक भी किया और यहाँ पे आप लोग कलर देख सकते हो, ब्लैक जो है वो कंप्लीटली ब्लैक दिख रहा है। दैट्स मीन ये एक ओएलईडी डिस्प्ले है। तो ये वाला जो वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है एक दिन बाद, यानी कि कल मेरा ये फ़ोन आ गया था मेरे पास और मैं इसको टेस्टिंग कर रहा था। और टेस्टिंग करते समय मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बातें पता चली है कि इसका जो फेस आईडी है वो एकदम ही नहीं काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं फेस आईडी आपके सामने यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करूँ तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि इसका फेस आईडी का क्या इशू है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ से आप लोग सेटअप फेस आईडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो किसी भी हालत में इसका जो फेस आईडी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे फेस आईडी में बहुत इशू है, जो कि इस फोन का मेन रीजन है जिसके कारण मैंने कहा कि यहाँ पे केसीफाई ने ठग लिया है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी एंगल से इसको करने की कोशिश करूँ, चाहे वो कैसा भी एंगल हो, यहाँ पे फेस आईडी जो है वो एकदम काम नहीं कर रहा है। ये किसी भी हालत में मुझे नहीं लग रहा है कि फेस आईडी जो है वो ओरिजिनल एप्पल का फेस आईडी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को और करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फेस आईडी जो है वो एकदम ही काम नहीं कर रहा है। और मैंने इसको एक बार नहीं ट्राई किया, कम से कम मैंने यहाँ पे 30 से 40 बार फेस आईडी को सेटअप करने की कोशिश किया, फेस आईडी जो है वो एकदम सेटअप ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर फेस आईडी नहीं काम करेगा किसी भी आईफोन में तो वो आईफोन बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे हो सकता है मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले भी मैंने यहाँ पे चेक किया है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी मैंने ये चीज चेक किया है कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो iOS वर्जन है वो 15.3 है और यहाँ पे दिखा रहा है iOS जो है वो अप टू डेट है। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद भी सेम इशू नजर आ रहा है। बाकी अगर इसको इन फ्यूचर क्या क्या हुआ, कैसे रिप्लेसमेंट हुआ कि नहीं, वो सारे डिटेल्स आपको डेफिनेटली अगर जानना है तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दें ताकि सबको पता चले कि केसीफाई वाला किस तरह से आम आदमी को लूट रहा है आईफोन के नाम पे। तो ये था कंप्लीट वीडियो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।